आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और स्पाइसी मसाला चना। हेलो एवरीवन, मेरे चैनल मील पैलेस में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं मसाला चना। आप इसको पूरी, पराठे और खाली चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं मसाला चना कैसे बनाया जाता है। अब मसाला चना बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम काले चने ले लिए हैं और इनको साफ करके धो के हम भिगो लेंगे। अब चने हमने भिगा लिए थे, इसको 3 घंटे हो गए हैं। अब इसको हम कुकर में 2 या 3 सीटी से गला लेंगे। अब यहाँ पर हम इसमें नमक डाल लेंगे और एक चुटकी हल्दी डाल देंगे और इसको सीटी लगाने के लिए गैस में चढ़ा देंगे। जब तक हमारे चने उबल रहे हैं तब तक हम ये 2 प्याज ले रखी है, इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे। अब प्याज को हमने बारीक बारीक काट लिया है। मैंने 2 फलियां लहसुन ले रखी और 1 टुकड़ा अदरक, इसका हम पेस्ट बना लेंगे। अब चने हमारे उबल गए हैं, अब यहाँ पर कढ़ाई में हम सरसों का तेल डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, पर हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसको हल्का सा ब्राउन करने के बाद फिर डालेंगे हम प्याज। लहसुन हमारा ब्राउन हो गया है, अब यहाँ पर हम जो बारीक कटी हुई प्याज है इसको डाल देंगे। प्याज हमने काट रखी है, इसको मिक्सी में नहीं करना है, मोटा मोटा ऐसे काटना है। यहाँ पर प्याज को हमने अच्छे से ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज थोड़ा सा करारा सा हो जाए तब डालेंगे हम यहाँ पे चने। प्याज हमारा हो गया है, अब यहाँ पर हम चने डालेंगे। चने मैंने यहाँ पे उबाल रखे हैं, कई लोग इसमें डायरेक्ट कच्चे चने भी डालते हैं, भिगो के सीधे फ्राई कर देते हैं। और अब जो बचा हुआ पानी है हम उसको इसी चने में डालेंगे। इसमें मसाले डाल देंगे, ये धनिया पाउडर डाल दिया, लाल मिर्च पाउडर और ये हल्दी, और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हमने थोड़ा सा उबलने में भी डाल रखा है। अब इसको चलाते हुए थोड़ा हम इसको पानी के साथ पकाएंगे 5 मिनट। जो पानी हमने बचा रखा उसको इसमें पलट देंगे। अब इसको हम 5 मिनट कवर करके पका लेते हैं। अब यहाँ पर चने हमारे तैयार हो गए हैं, पानी सारा एब्जॉर्ब हो गया है। अब यहाँ पर डालेंगे हम भुना हुआ जीरा और गरम मसाला। गरम मसाला पहले नहीं पकाते हैं वरना ये कड़वा हो जाता है। और डालेंगे हम चाट मसाला। देखिए चने यहाँ पर हमारे कंप्लीट रूप से तैयार हो गए हैं। अब इसमें हम ऊपर से आधा नींबू निचोड़ लेंगे। आप चाहे तो इसमें प्याज भी काट सकते हैं ऊपर से बारीक बारीक। ये देखिए, आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, पूड़ी के साथ खा सकते हैं और एज ए स्नैक्स भी खा सकते हैं चाय के साथ। यहाँ पर मैंने ये 3 मिर्चियाँ ली हैं, इसमें बीच में से चीरा लगा लिया है। अब इसको हम मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर हम आधा नींबू निचोड़ेंगे। नींबू हमने तब निचोड़ा है जब हम गैस की फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है। नींबू को हमको पकाना नहीं है वरना नींबू कड़वा हो जाता है। अब हम इसको प्लेट में सर्व करेंगे। काले चने के काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, इसमें काफ़ी सारे विटामिन्स होते हैं और इम्यून को अच्छा रखता है। ये हेयर और स्किन के लिए भी अच्छा है और मसल्स को भी अच्छा रखता है। आप भी इस रेसिपी को बनाइए और बताइए कि ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कभी घर में गेट टुगेदर हो और इस तरह के चने बनाकर हम इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बिल्कुल ढाबा स्टाइल चने बने हुए हैं। और अंत में इसको हम हरी मिर्च और हरे धनिया से गार्निश करेंगे। ये देखिए क्या लाजवाब चने हमारे लग रहे हैं, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। बनाइए और इंजॉय कीजिए। जो प्याज खाने के शौकीन है इस तरह से बारीक बारीक प्याज काट के भी इसको इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी बनाने में बड़ी आसान है।